What's up guys, this is Guru Maan. यह है cholesterol diet meal number 3, हमारी lunch meal है। जैसा कि ये program आपको मालूम है, cholesterol का program है, जिन लोगों को heart problem है, जिनका high cholesterol है, ये program medical condition based program है। उस medical condition based program के ऊपर मैंने आपके लिए nutrition plan बनाया है और video में आपको बता रहा हूँ क्यों चाहिए और नीचे आपको description box में आपको इसकी proper ईबुक मिलेगी जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है कोलेस्ट्रॉल की, किस तरह से आप क्या आप क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन प्लान। सो गाइस, जो मील नंबर 3 हमारी है, टिपिकल इंडियन मील है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें आपको बताऊंगा क्या आप चेंज करेंगे। टिपिकल इंडियन मील का मतलब है कि यहाँ पर राजमा मेरे पास क्या है, बीन्स, दो तरह के बीन्स है, एक है राजमा मतलब रेड किडनी बीन्स, दूसरे है मेरे पास व्हाइट चिक पी मतलब व्हाइट चने, दोनों को मिक्स करना है आपने। दूसरा मेरे पास यहां पर क्या है, चपाती, वन थिन होल वीट चपाती आपने लेनी है, उसके साथ मेरे पास यहां पर है सैलड। नाउ बीन्स क्यों हम यहां पर ले रहे हैं, जैसा कि मेडिकल बेस्ड कंडीशन प्रोग्राम है, बीन्स हर घर में खाते हैं लोग, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, लेकिन बीन्स यहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल के लोगों के लिए जो दवाई का काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर न्यूट्रिएंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर, वो है सॉल्युबल फाइबर। नाउ मैं बता रहा हूं आपको कि कोलेस्ट्रॉल जिनको प्रॉब्लम है उनको सॉल्युबल फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सॉल्युबल फाइबर आपके एलडीएल को ड्रॉप करता है, एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब वो ज्यादा होता है आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल। सो एलडीएल को आप क्या करना है, हमने कम करना है, वी वॉन्ट टू रिड्यूस एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, और बीन्स सुपर फूड है उसको रिड्यूस करने में बिकॉज ऑफ सॉल्युबल फाइबर। नाउ ये फाइबर आपको फुल भी रखेगा, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, 3 घंटे 3.5 घंटे इजी आपकी स्टमक जो है वो फिल रहेगी फाइबर के लिए। इसके अंदर बहुत सारे विटामिंस भी है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे पॉली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, जो आपको डाइजेशन के लिए, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, जो आपके इंसुलिन के लिए, ब्लड शुगर लेवल के लिए, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए चाहिए। तो बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर वेजिटेरियन मील है। आपने बीन कैसे बनाने हैं, जैसे आप इंडिया में बीन्स बनाते हैं सेम वैसे बनाएंगे, दो चेंजेस करनी है आपने। पहला ऑयल, जो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाते समय, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वो रिफाइंड ऑयल आपकी एनिमी है, आपका दुश्मन है वो आपके हार्ट का। अगर आप उसी रिफाइंड ऑयल से सब्जी बना रहे हैं, बीन्स बना रहे हैं, तो आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, अपने लिए भी और अपनी जो जनरेशन है आने वाली, या आपकी जो जनरेशन, आपकी फैमिली, उसके लिए बैड डिसीजन है। तो ये डिसीजन आपने लेना है, हार्ट हेल्दी करना आपने करना है, किसी ने आपके लिए नहीं करना कुछ। बीन्स जब बनाएं, ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें प्लीज प्लीज, प्रॉब्लम आप लोगों को है, पेन मुझे होती है। सो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, मैं बोल रहा हूं आपको, आपको यहां पर गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आप यहां पर रिफाइंड ऑयल, देसी घी, बैड ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप आपका हार्ट हेल्दी है, आप वर्कआउट करते हैं, तो आप ले सकते हैं कभी कभी। अगेन ये मेडिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप प्लीज ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए, पहली चेंज करनी है आपने। दूसरी सॉल्ट, जो आप नमक डालते हैं ना, लाइक दूसरा चम्मच रखा होता है किचन के अंदर, उसको चेंज करना पड़ेगा, आपने नमक ऐड करना है। डिपेंड करता है कितने जानों के आप खाना बना रहे हैं, 2 का 3 का 4 का 5 का या 2 दिन का इकट्ठा बना रहे हैं, ये आपको डिपेंड करता है। एक चुटकी का मतलब है एक बंदे के लिए, तो वो चुटकी आपने जो पिंच मेजर करना है वो नंबर ऑफ पीपल, अगर आपको लगे सॉल्ट कम है बनाने के बाद, तब आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आप पहले ऐड ना ज्यादा करें। सो थोड़ा सा उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका रेज होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सही कर रहे हैं और वो जो नमक है वो आपका बॉडी लेवल को खराब करे, आपके ब्लड प्रेशर रेज होगा जो सही नहीं है, उससे स्ट्रोक के चांस ज्यादा है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, ये भी घर घर में प्रॉब्लम है। सो ये 2 चेंजेस आपने करनी है। बाकी बीन्स आप जितना मर्जी पानी ऐड करें, कोशिश करें आपकी ड्राई रखें, ज्यादा पानी ना हो, थोड़ी करी इसकी जरूरत, मतलब ज्यादा थिन ना हो पानी की जरूरत, थोड़ी थिक हो, और बीन्स ज्यादा कुक ना करें, हम नहीं चाहते कि इसका न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाए, राइट। तड़का वगैरह लगाएं जो करें, लेकिन तेल का इस्तेमाल करना है, और सॉल्ट और तेल का, वो दो चीजों का ध्यान रखना है। से 2 बीन्स को मिक्स जरूर करें, 2 अलग बीन्स के अंदर जो अलग फाइबर है, कुछ माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो आपके लिए जरूरी है ऐसी मेडिकल कंडीशन में। सो प्लीज
आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और कौन सा बीन्स आप ऐड कर सकते हैं? व्हाइट के साथ साथ आप ब्लैक चने, काले चने होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काले राजमा का इस्तेमाल कर सकते हैं रेड की जगह, पिंटो बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांच बीन्स है, पांचों बीन को आप रोटेट करते जाएं। आप नीडे पीडीएफ चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप हर दिन नई सब्जी बना सकते हैं अलग अलग बीन्स की, और चाहिए आपको बीन्स लेकिन आप चेंज करते जाएं, राइट। चपाती, चपाती की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज बतानी है आपको, चपाती के ऊपर ऑयल ना लगाएं, चपाती को के ऊपर बटर ना लगाएं। बटर आपका नंबर वन दुश्मन है। यस, योर नंबर वन एनिमी बटर ऑयल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड बैड, उसको तो आपने कम करना है। सो चपाती खाली, चपाती कुछ ना लगाएं, और चपाती होल व्हीट होल ग्रेन से बनी होनी चाहिए, मिक्स ना हो। ये ना कि थोड़ा मैदा हो और व्हीट मिक्स की होती है, बाजार में बहुत मिलावट है इंडिया के अंदर, आपको देखना पड़ेगा। अगर अगर आपकी चपाती का रंग थोड़ा सा व्हाइट है, इसका मतलब उसके अंदर व्हाइट मैदा जो है, व्हाइट फ्लॉर वो ऐड किया हुआ है, मिलावट है उसके अंदर, बदलें, उस दुकान से ना लें, किसी और दुकान से लें। अगर आपकी चपाती का रंग व्हीट जैसा है, ब्राउन है, तब ठीक है, अगर उसका रंग थोड़ा सा सफेद है, मिलावट है। सो आप चेक करें, अगर आप आज खा रहे हैं कुछ, चेक करें उस वो कैसे रोटी का रंग कैसा है। ऑलराइट, सो होल व्हीट चपाती, सैलड, अक्सर सैलड तो इंडिया लोग घर में खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफाई वर्जन है मेरा। आप यहां पर, मेरे पास खीरा है, टोमेटो है, अनियन है, आप गाजर भी ले सकते हैं। सॉल्ट नहीं ऐड करना, चाहे तो आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट वगैरह ना ऐड करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्या करना, अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक चपाती की बाइट सब्जी के साथ, उसके साथ सैलड लेते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। मैं भी खाता रहा हूं, और आप खाते रहे हैं, और आप खा रहे हैं बाय द वे। ऐसे आपने सैलड को इस मील शुरू होने से पहले खाना है। यस, मतलब है कि ये सैलड आपने पहले खाना है, उसके बाद आपने चपाती और सब्जी खानी है। व्हाई? बेटर अब्सॉर्प्शन। आपको ये जो अब सैलड खाएंगे, जो अब्सॉर्प्शन आपको चाहिए, डाइजेशन चाहिए फूड की, वो सैलड आपको उसमें बहुत मदद करेगा। पहले सैलड खाएं, उसके बाद 5 मिनट बाद आप इस चीज का इस्तेमाल करें। आप सैलड को पहले, जब खाना बन रहा है घर के अंदर, चपाती अभी बननी शुरू हो रही है, उसी समय अपना सैलड पहले खाएं। 10 मिनट 15 मिनट पहले सैलड खाने से एक तो आपकी स्टमक थोड़ी पहले फुल हो जाएगी आदि, जिससे आप ज्यादा चपाती नहीं खाएंगे, ओवर ईटिंग का चांस जो है वह बहुत कम होगा। दूसरा, एब्जॉर्प्शन। अगर फूड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेवी है, थिक है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रह गए हैं, ज्यादा ओवरकुक हो चुका है, तो उसको अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, बेटर अब्सॉर्प्शन, और आपकी स्टमक फुल रहेगी। सो दैट्स इट गाइस, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, कुछ मैंने इसके अंदर एडिशनल चीजें ऐड नहीं की, मैं टिपिकल इंडियन स्टाइल फूड है। बस ध्यान रखना अपने कुकिंग में ऑयल और सॉल्ट का इस्तेमाल, सैलड के ऊपर भी सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें, चपाती के ऊपर ऑयल ना लगाएं, होल व्हीट चपाती हो, और दो तरह का बीन्स को करना है, दैट्स इट। हार्ट आपके लिए सबसे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा, बहुत ही पावरफुल मसल है, बहुत पावरफुल ऑर्गन है हार्ट, और हमारी कम्युनिटी हार्ट में स्ट्रगल कर रही है, हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा है बहुत लोगों को, ऑयली कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज ऑफ बैड चॉइस, बिकॉज ऑफ फूड, बैड ऑयली फूड, सारा दिन बाहर से भी ऑयल, घर में भी ऑयल, और वो ऑयल कौन सा है, बैड ऑयल, घर का बना हुआ जैसे घी हो गया, रिफाइंड हो गया। तो आप ऐसे कुछ ना करें, यू गाइज आर वेरी एजुकेटेड, इंडियन कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा एजुकेशन है, लेकिन न्यूट्रिशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मेरा होल प्रोसेस है कि मैं स्ट्रगल खत्म करूं, मैं बताऊं लोगों किस तरह से आप वही चीज खाएं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करें, आप खुद, आपकी बॉडी आपको बोलेगी थैंक यू वेरी मच, आप ट्राई करें। सिंपल, ये क्लीन लग रहा है, इट्स वेरी क्लीन फूड, एंड ये थी मील नंबर 3 गाइज। आप डाउनलोड करें न्यूट्रिशन प्लान और चेक करें क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं आप इसके। दैट्स इट गाइज, दिस इज गुरु मान, डाइट कोलेस्ट्रॉल मील नंबर 3, ओवर एंड आउट, बाय।